दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहार के सबसे फेमस मटन की मेकिंग, जो कि है विजय होटल का मटन। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग और यूनिक है और स्वाद तो ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे खाने लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं और 130 रुपए में भर पेट मीट चावल खाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, मुंह में स्वाद का धमाका होने वाला है। सो फ्रेंड्स, शुरुआत हो चुकी है अपने मटन को बनाने की और आप देख सकते हैं ना, सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्याज की कटिंग। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ प्याज रखे गए हैं और फटाफट इनको काटा जा रहा है। देख रहे हो भैया का स्टाइल ज़रा काटने का। ये दोस्तों यहाँ बिहार में ना पहसुल बोलते हैं ना भैया इसको, ये काटने वाले को पहसुल, तो वो लिया हुआ है और उसमें देखिए कैसे खटाखट भैया प्याज को काट रहे हैं और काफ़ी स्पीड है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काटना है तो ये ज़रूरी भी है दोस्तों कि फटाफट काटा जाए, है ना। तो भैया कितना किलो प्याज होगा ये? तो 15 किलो है। 15 किलो। तो ये देखिए सारे तरीके के पीस आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे नली हो गई, चाप हो गया, बोटी हो गया, हर तरीके का पीस आपको इसके अंदर मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चर्बी वाला पीस प्लस चुस्ता। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ना ये चीज़ आपने पहले नहीं देखी होगी कई वीडियोस में। मतलब चुस्ता तो दिखाया गया है मगर मैं आपको दिखाता हूँ कि चुस्ता बेसिकली होता क्या है। ये देखिए इसको इस तरीके से पलट के ना, ये देखिए इसके अंदर अंदर मतलब एक पॉकेट सा बन गया। अब इसके अंदर चर्बी भरी जाएगी, भर दिए। अच्छा वही जो उसमें जुड़ा हुआ था बाहर पीछे की तरफ, तो इसको उल्टा कर देते हैं हम तो वो इस शेप में आ जाता है। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों ये है चुस्ता और ये है दोस्तों लड़। ये देखिए इस तरीके से ना ये पूरी की पूरी जो इंटेस्टाइन जो इसे कहते हैं ना, जिसे अंतड़ियाँ कहते हैं बेसिकली, वो होती है। और ये भी ना यहाँ बिहार में बहुत पसंद किया जाता है दोस्तों लोगों द्वारा। तो इसको इस तरीके से देखिए साफ़ किया जाता है, इसके अंदर इस तरीके से रॉड डाल के ना इसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाता है पहले। ये देखिए इस तरीके से इसमें रॉड में इसको डाल के इसको बढ़िया से पहले साफ़ किया जाता है ताकि अंदर की जितनी भी गंदगी है ना वो सारी निकल जाए। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर पानी भर के ना, ये देखिए ये सारा का सारा जो पानी है ना वो इसके अंदर जाता है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ना लड़ की जो बहुत लंबी लंबी पाइप थी ना उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे काटा जा रहा है इसको। तो ये पीस में जब आप सर्व करते हैं, जैसे 2 पीस मटन हो गया तो ये साथ में ही जाता होगा ना उसके? ऐसे ही फ्री जाता है। फ्री जाता है ना, तो मिल गया ना ये तो। हाँ, तो फैट हो गया और ये जो लड़ हो गया वो ऊपर से जाता है। ऊपर से जाता है और चुस्ता पर पीस अलग होता है। चुस्ता का पीस अलग होता है। ये दोस्तों हमारी कोयले की आँच बिल्कुल सेट हो चुकी है और हमारा जो मटन है ना वो बनना शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा जा रहा है दोस्तों ये बड़ी सी जो क्या कहते हैं पतीला कहेंगे क्या कहेंगे इसको, डेक्ची है ना, बड़ी है, काफी ह्यूज है। आई होप कि आपको कैमरे पे पता लग रहा हो। उसके अंदर डाला गया सबसे पहले प्याज और उसके साथ ही साथ इसमें डाला जा रहा है अब लाल मिर्च। लाल मिर्च, लाल मिर्च। तो तकरीबन मेरे को लग रहा है 8 से 10 मिर्चें इसके अंदर गई हैं, है ना। और प्याज कितना बताया था आपने? प्याज इसमें 10 किलो प्याज है। 10 किलो प्याज है। तेज पत्ता पड़ रहा है, ये गया दोस्तों इसके अंदर तेज पत्ता। लहसुन अदरक, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हल्दी, ये आ गया दोस्तों हल्दी। ये आ गया नमक, तो ये देखिए दोस्तों ये नमक भी डाल दिया गया। तो नमक कितना गया? आधा किलो का। ये आ गया दोस्तों अब गोल की। अच्छा तो ये काली मिर्च बेसिकली जो खड़ी काली मिर्च होती है ना हमारी गोल वाली, वो डाली गई है साथ ही साथ। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा जो मसाला है ना मटन का उसको तैयार किया जा रहा है। प्याज हमारा अलग पकेगा और जो मसाला है वो अलग पकेगा। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल ले लिया गया है। कितना तेल होगा भैया ये? तकरीबन 2 किलो। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए सरसों का तेल लेके ना इसको अच्छे से गर्म कर लिया जा रहा है ताकि जो इसका कड़वापन है वो निकल जाए और उसके बाद इसमें मसाले पकाए जाएंगे। अब डाला जा रहा है दोस्तों उसके अंदर पानी और प्याज को ना अच्छे से गला के पका लेना है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ना कि मसाले अलग पकेंगे, प्याज अलग पकेगा और मटन एंड में सारा कुछ मिक्स करके पका दिया जाएगा, है ना। मसाला भुना जाएगा तो इसमें पक जाएगा। अच्छा पहले मसाला भुना जाएगा उसके बाद इस प्याज वाली ग्रेवी में डाल दिया जाएगा। तो ये हमारा जो मसाला है ना वो भी तैयार होना शुरू हो चुका है। देखिए तेल जो है हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है और जो कड़वापन है सरसों का तेल बिल्कुल क्योंकि कड़वा होता है हल्का सा तो पहले वो निकाल लिया जाता है कड़वापन उसको गर्म करके। तो थोड़ा सा प्याज दोस्तों हमारे इसमें भी डाले जा रहे हैं तो तकरीबन 1 किलो प्याज इसमें भी गया। अच्छा तो मसाला जब हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी प्याज जा रहा है और अलग से हमारा प्याज जो है वो पक ही रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्याज डाला गया सबसे पहले तेल के अंदर और
इसको भी अच्छे से भुना जाएगा। और इसको कितने देर तक भुना जाएगा प्याज को? एक घंटा। अच्छा, मसाले के साथ एक घंटे तक अच्छे से भुना जाएगा। तो प्याज को अच्छे से नीचे से चलाया जा रहा है ताकि जो हमारा प्याज है वो लगे ना नीचे की तरफ, और इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, ये देखिए। और धीरे धीरे ये जो प्याज है ना हमारा बिल्कुल गल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज है ना वो बिल्कुल ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना जो प्याज है वो हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अभी और थोड़ी देर पकाना है इसको, उसके बाद मसाले जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, पहले अदरक और लहसुन, फिर उसके बाद मसाले। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो प्याज है ना ऑलमोस्ट पक चुका है, यानी कि ब्राउन हो चुका है। तो अब डाला गया दोस्तों इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और साथ ही साथ इसमें डाला जाएगा दोस्तों अब पानी, ये देखिए। तो ये आ गया हमारा थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि हमारे प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और उसके बाद इसमें डाला गया अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा पानी। अब इसको भी भून लिया जा रहा है ताकि जो अदरक है उसका कच्चापन ना रहे। डाले जाएंगे दोस्तों इसके अंदर मसाले। तो सबसे पहले डाला जा रहा है इसके अंदर हल्दी, ये देखिए। ये आ गया दोस्तों अब इसके अंदर धनिया पाउडर, ये देखिए। ये आ गया दोस्तों लाल मिर्च। और जो भैया का हाथ है ना वो मेरे ख्याल से पूरे का पूरा नापा तौला हुआ है, देखिए पूरे पूरे हाथ से भर के बिल्कुल नाप तौल के डाल रहे हैं। और जो हमारा मटन है उसकी जो मसाले हैं वो तैयार होने शुरू हो गए। ये आ गया दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ये देखिए ये गया पानी। और अब मसालों को अच्छे से भुना जा रहा है। और मसालों को भुनना ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना उसमें ना मसालों को कच्चापन रह जाता है। तो इसको अच्छे से भून दिया जाएगा और पूरा सूख जाएगा, है ना, तेल छोड़ देगा अच्छे से। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ना इसको अच्छे से चलाया जाएगा और तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाया जाएगा, 10 से 15 मिनट। एक घंटा। तो एक घंटे तक भैया बोल रहे हैं भूना जाएगा। तो एक घंटे तक इसको भून के अच्छे से मसाले को, और इसको तैयार किया जाएगा। दो पीस मीट, एक प्लेट चावल। कितने रुपए से? 7 रुपया से खा। 7 रुपया? सात रुपए पहले 7 रुपए का मिलता था यार। 1 रुपया पीस मीट फ्राई कर तो ये होटल बहुत फेमस था। जैसे हम लोग 6 रुपये शाम में आते थे, थोड़ा मीट फ्राई करके मिलता था और 1 रुपये रोटी। अच्छा। हम लोग बैठ कर खाना खाते थे शाम में। और जैसे आप बता रहे थे बहुत सस्ता होता था उस पहले के टाइम में, उस समय तो हम लोग किराना की दुकान भी चाहते, हम लोग 70 रुपये 70 पैसे 80 पैसे आटा बिकता था, और 2 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 80 पैसे चावल किलो बेचते थे उस समय। तो दोस्तों प्याज पकने के बाद ना हमारा सबसे पहले डाला गया है इसके अंदर चुस्ता और लड़, और अब डाला जा रहा है इसके अंदर मीट, यानी कि हमारा मटन जो है वो सारा का सारा इसमें डाला जाएगा, ये देखिए। प्याज हमारा अच्छे से गल चुका था, और मसाला जो है हमारा अभी भी देखिए, जैसे कि बोला था 1 घंटा लगेगा इसको पकने में, फ्राई होने में। तो अभी भी मसाला हमारा लगा हुआ फ्राई होने में, और यहाँ पर जो है वो सारा मटन इसके अंदर डाला जा रहा है प्याज के अंदर। और जब हमारा मसाला अच्छे से पकेगा तो उसके बाद इसमें डाल दिया जाएगा। तो अभी हमारे साथ हैं धर्मदेव जी जो पूरे किचन को देखते हैं। तो सर कितनी पुरानी दुकान है ये? 1982 से दुकान है। 1982 से लगभग 40 साल के करीब हो गए हैं इसको, है ना। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे सादा खाना मिलता है, दाल भात सब्जी। एक तो हो गया वेजिटेरियन। हाँ, कलेजी मिलेगा, मटन मिलेगा। अच्छा, चुस्ता मिलेगा। अच्छा, तो मटन में भी आपके पास स्टू भी है, मटन मटन भी है। हाँ, अभी सुबह में ये 10 बजे तैयार हो गया मटन स्टू। स्टू हाँ। और दूसरी वाली जो दूसरी वाली होगी वो 12 बजे तक होगी। 12 बजे तक शुरू होती है। अच्छा, और साथ ही साथ वेजिटेरियन खाना भी? वेजिटेरियन खाना भी है, उसका अलग रहता है, उसका अलग रखा हुआ आपने, है ना। और क्या प्राइसिंग वगैरह है? सादा खाना का 50 रुपया है। 50 रुपया प्लेट जी। अच्छा, और मटन का है एक प्लेट में 2 पीस मटन। हाँ। और एक प्लेट चावल। हाँ। 130 रुपया पड़ेगा। 130 रुपये 2 पीस के साथ। हाँ। अच्छा, और सिंगल पीस भी ले सकता है कोई? हाँ, सिंगल पीस लीजिएगा तो 1 पीस मटन, 1 प्लेट चावल 130 रुपये पड़ेगा। 80 रुपये 80 रुपये का पड़ेगा जी। तो दोनों ऑप्शन हैं दोस्तों, आप 1 पीस लेना चाहते हैं, 2 पीस लेना चाहते हैं, तो 130 और 80 रुपये का पड़ता है जी। दोस्तों हमारा जो मटन है ना वो पकना शुरू हो चुका है, और काफ़ी टाइम हो चुका है इसमें, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसमें पकाते हुए। और अब दोस्तों इसके अंदर डाला जाएगा बटर। अच्छा, बटर भी जाता है भैया? अच्छा, तो
अच्छा, तो मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन एक घंटा, जैसे भैया ने बोला था तो पूरा एक घंटे तक मेहनत की है भैया ने, चला चला के इसको ना पका दिया है। और बटर के साथ, इसी के साथ इसमें डाल दिया गया है मसाला मटन के अंदर फ्राई करने के बाद, और अब इसको पकाया जाएगा अच्छे से। पूरा मसाला मिल गया ना, तो अब देखिएगा जो इसका कलर है ना, जो इसकी रंगत है बिल्कुल चेंज होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त लगने वाला आपको इसका कलर जो है। मसाला जो था अच्छे से भून दिया गया है, बिल्कुल लाल हो चुका था, हल्का हल्का तेल छोड़ चुका था, और अब देखिए जो मटन है वो भी बड़ा ज़बरदस्त दिखने वाला है। तो सारे पीसेस आप देखिए किस तरीके से येलो कलर के हो चुके थे, और अब जो है वो बिल्कुल सुर्ख लाल कलर का हमारा मटन तैयार हो जाएगा। तो इसको अब भैया कितने देर तक पकाया जाएगा? 12 बजे, 2 घंटा रहेगा। 2 घंटा रहेगा इस पर, क्या बात है दोस्तों, 2 घंटे तक इसको ना आराम से पकाया जाएगा, ताकि जो मटन है ना वो सॉफ्टली कुक हो जाए। तो साथ ही साथ इसको चलाते भी रहना है ना, नहीं तो हाँ। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी देखिए, ज़रा चेक करिए, क्या बढ़िया ग्रेवी बननी शुरू हो चुकी है, क्या बात है। और नीचे कोयले की आँच है, इसलिए इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा, है ना, लगाने के बाद खराब हो जाएगा। साथ के साथ इसको चलाते रहना चाहिए दोस्तों। कोयले के ऊपर जब भी खाना पकता है ना, उसकी खासियत यही होती है, एक तो पकता बड़ा ज़बरदस्त है और काफ़ी टाइम लेके पकता है, तो धीरे 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 इसको पकाना चाहिए। तो इसको ऐसे काट के देते हैं भैया जी। तो कितना, एक मतलब एक पीस, अच्छा ये एक पीस हो गया इसका अलग जी। तो ये देखिए दोस्तों चुस्ते को ना इस तरीके से काट के सर्व किया जाता है। तो अंदर की तरफ जो हमने चर्बी दिखाई थी ना आपको डालते हुए, ये चेक करो ज़रा, ये अंदर की तरफ पूरी की पूरी चर्बी भरी हुई है। भैया यहाँ का मटन तो मेरे को बहुत सॉलिड लगता है, और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आकर खा रहा हूँ, और यहाँ पे खाने के बाद अलग मज़ा ही मिलता है भैया खाने में। अब मेरे को यहाँ पे आसपास में और कहीं अच्छा नहीं लगता, मेरे को सबसे बेटर विजय होटल का ही लगता है भैया मेरे को। करीबन मैं यहाँ से 4-5 साल से मैं यहाँ पे आकर खा रहा हूँ रेगुलर। देखिए दोस्तों यहाँ पे चेक किया जा रहा है मटन के पीस को ना, थोड़ा और अभी आधा घंटा और पकेगा है ना, एक डेढ़ घंटे के करीब हो चुके हैं। तो अब डाला जा रहा है इसके अंदर पानी, ये आपने गर्म पानी रखा हुआ है जी। अच्छा, तो गर्म पानी उस मटन में डाला जा रहा है, और ग्रेवी जो है वो बनाई जा रही है। ये देखिए तो ले दोस्तों हमारे जो मटन करी है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये देखिए ज़रा चला के दिखाइए ज़रा, क्या बात है दोस्तों, ये देखो क्या रंगत आई है, क्या रोगन आया है, बड़ा ही लाजवाब देख रहे हो। और ये अब निकाला जा रहा है दोस्तों सर्व करने के लिए कटोरी में। भाई साहब एक साथ ना कितने सारे यहाँ पे भीड़ ना दोस्तों लगी रहती है, दोपहर के 12 बजते ही ना यहाँ रश लगना शुरू हो जाता है, लोग आते हैं और यहाँ का जो मटन है उसके जायके का लुत्फ़ उठाते हैं। तो ये देखिए क्या बात है, ये देखिए। तो भैया इसी तरीके से लोग आते रहते हैं, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता, मतलब मेरे ख्याल से तो ये 2-3 घंटे की गेम होती है, है ना, 2-3 घंटे के अंदर सारा का सारा फिनिश हो जाता होगा। हाँ। क्या बात है। तो ये देखिए दोस्तों ये सारा निकाल दिया गया है, अब इसको सर्व किया जाएगा। आइए हम भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके का इस मटन का स्वाद है। भाई बनते हुए देखा बड़ा ही लाजवाब तरीके से बनाया गया था, मसाले को अलग भूंजा गया, फिर प्याज को भूंजा गया, और फिर एंड में मिला के 2 घंटे इसको अच्छे से पकाया गया। आइए टेबल पे चलते हैं और देखते हैं कैसा है स्वाद। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का इसका स्वाद है। भाई खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है, आ जाओ। देखने में जिस तरीके का लग रहा था ना, जिस तरीके से प्याज यूज़ किया हुआ था, तो मुझे लग रहा था हल्का सा स्वीट पोर्शन में होगा, मगर ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी है। मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद आती है, और ख़ास करके मटन ना तीखा ही खाने का मज़ा आता है। ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त है, ये देखिए मटन देखिए, ओ भाई साहब देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से मटन पका है, कि आसानी से पूरे हड्डी से अलग हो जा रहा है। ये देखो कैसे टूट गया, देख रहे हो बहुत बढ़िया। एक बार एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं, मटन लेते हैं, और आप खा के देखते हैं। ओहो बहुत गया, और जो फ्लेवर है ना हल्का सा फैटी है, क्योंकि इसमें फैट वगैरह सब कुछ डाली गई थी। जो असली फ्लेवर दोस्तों मटन का आजकल मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ ना पटना में आके, कि इतना ज़्यादा रिच क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर फैट डाला जाता है। घर में जब हम बनाते हैं ना तो उसमें हम फैट निकाल देते हैं बल्कि, मगर यहाँ जो रेस्टोरेंट्स और ढाबों में मिल रहा है ना, वो फैट डालने की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा लाजवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया, कि ग्रेवी आपकी रिपीट हो सकती है, चावल भी रिपीट हो सकते हैं, पर वो अलग से है, मगर ग्रेवी आप जितना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो प्लेट में
आप रिफ़िल करवा सकते हैं ग्रेवी को। तो ये ग्रेवी चावल के साथ चेक करते हैं कैसा है। भाजो चावल के साथ मटन खाने का एक अलग ही मज़ा है। ये देखिए ये आ गई ग्रेवी। तो ये ग्रेवी हमने रिफ़िल करवा ली। तो आप भी आते हैं तो इसको अच्छे से रिफ़िल करवा के भरपेट खाना खा के जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो भाई इतने लाजवाब यहाँ पे मटन पड़ा है, फटाफट से फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।